यह कहानी है एक 17 साल की लड़की के बारे में जो अपने लाइफ में सच्चे प्यार की तलाश में थी और वह अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या करती है, यह जानेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ही जाना। मूवी की शुरुआत में हम मेलिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी सुंदर और सुशील थी। मेलिसा अपने मॉम और दादी के साथ रहती है, लेकिन मॉम और दादी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। यहाँ पर मेलिसा की दादी को बीड़ी फूकने की आदत थी, जिस वजह से दादी की तबीयत ज्यादातर खराब रहा करती थी। सुबह सुबह प्यार के नशे में मेलिसा खुद को टच करती होती है, लेकिन तब तक वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जिस वजह से मेलिसा को अपना काम अधूरा छोड़ना पड़ता है। अब मेलिसा वहाँ से निकलकर डेनियल के घर जाती है। डेनियल मेलिसा का क्लासमेट था और मेलिसा डेनियल को काफी लाइक करती थी। आज डेनियल के घर पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी जहाँ पर मेलिसा काफी घबराई सी थी, क्योंकि वो तो डेनियल को काफी लाइक करती थी, लेकिन डेनियल आज तक उसे कभी भाव ही नहीं दिया। डेनियल के घर पर उसके कई दोस्त इंजॉय कर रहे थे और उन्हें देखकर मेलिसा भी स्विमिंग पूल में इंजॉय करने के लिए जाती है और मेलिसा पूल के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर डेनियल चुपके से आकर उसे पानी में खींच लेता है, लेकिन मेलिसा को स्विमिंग करने नहीं आता था, जिस वजह से वो वहाँ पे डूबने लगती है। और जैसे ही डेनियल को यह पता चलता है कि मेलिसा को स्विमिंग नहीं आता, वो उसे वहाँ पे से बचा लेता है और वो मेलिसा से कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और डेनियल की यह बातें सुनकर मेलिसा थोड़ा घबरा जाती है। वह सोचती है कि आखिर यह मुझे दिखाना क्या चाहता है। अब डेनियल उसे अपने घर के पीछे और ले जाता है और वो उसे वहाँ पर अपना गार्डन दिखाने लगता है। यहाँ पर डेनियल मेलिसा से कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, लेकिन स्विमिंग सीखने के लिए तुम्हें रोजाना मेरे पास आना होगा। और उसकी यह बात सुनकर मेलिसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह उसे हाँ कह देती है, क्योंकि यह सबसे अच्छा समय था मेलिसा को डेनियल के साथ बिताने का। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर बातों बातों में मेलिसा डेनियल को बताती है कि मैं अभी भी वर्जिन हूँ। और मेलिना की बातें सुनकर डेनियल समझ जाता है कि मेलिना को उसका पप्पू चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेलिना डेनियल से काफी ज्यादा प्यार करती थी और इसी का फायदा डेनियल उठाना चाहता था। वह जानता था कि अगर वह मेलिना से कुछ भी मांगेगा तो वह मना नहीं कर सकती, जिस वजह से डेनियल उससे किस मांगता है और किस के बहाने वह उसे अपना लॉलीपॉप दे देता है। अब मेलिसा की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वह स्कूल के बाहर डेनियल का इंतजार करने लगी थी, लेकिन डेनियल वहाँ पर नहीं आता। इसके पहले भी दोस्तों, डेनियल कभी मेलिसा से मिला ही नहीं उस दिन के बाद, और ना ही उसने कभी उसे कॉल किया था। तब मेलिसा की दोस्त उसे कहती है कि तुम उसे भूल जाओ, वह स्कूल छोड़ चुका है और वह सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। लेकिन मेलिसा उसकी एक बात नहीं मानती और वो अपने क्लास में बैठकर पूरा दिन बस डेनियल के बारे में लिखती होती है, क्योंकि वो डेनियल को अब कभी माफ नहीं करना चाहती थी। उसके कुछ दिनों बाद मेलिसा के फ्रेंड मेलिसा को बताती है कि डेनियल एक क्लब में है, इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ सीधे क्लब चली जाती है। और वो काफी दिनों के बाद दोबारा डेनियल को देखती है और वहीं पर डेनियल भी उसे देख लेता है और उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम तो और बड़ी दिखने लगी हो और काफी खूबसूरत भी। इसके बाद वो अपना ड्रिंक उसे ऑफर करता है और तभी डेनियल का एक दोस्त भी उसके सामने आता है जो कि मेलिना की तारीफ कर रहा था। और यह सब सुनकर डेनियल भी मेलिसा की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो मेलिसा से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। और मेलिसा भी बिना कुछ सोचे डेनियल के साथ सीधे उसके घर चली जाती है। अब वो दोनों काफी दिनों बाद मिलने पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। मेलिसा डेनियल से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन डेनियल उसे धुतकार देता है क्योंकि डेनियल उससे कभी प्यार नहीं किया था, वह तो सिर्फ उसके साथ इंजॉय कर रहा था। और यह सब सुनने के बाद मेलिसा आज से पूरी तरह बदल गई, क्योंकि डेनियल ने उसे सबसे ज्यादा हर्ट किया था और इस इंसिडेंट के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो भी सबको धोखा देगी और वह खुद से वादा करती है कि वो कभी किसी के बारे में नहीं सोचेगी। एक दिन मेलिसा की दादी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिस वजह से मेलिसा की मॉम ने दादी जी को हॉस्पिटल में एडमिट करने का इरादा बनाया। लेकिन यहाँ पर मेलिसा को पूरी तरह गलत लग रहा था। मेलिसा को लग रहा था कि मॉम दादी जी को कभी भी लाइक नहीं करती, इस वजह से वो उनको दूर करना चाहती है। इसी वजह से मेलिसा और उसकी मॉम में बहस हो जाती है। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल जाती है तो काफी ज्यादा उदास होती है, जिस वजह से स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं। लेकिन स्कूल में मार्को नाम का लड़का उसकी फीलिंग को पूरी तरह समझ रहा था। अब स्कूल के बाद मेलिसा अपने फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप पर जाती है, जहाँ पर एक आदमी मेलिसा को बुरी तरह घूरे जा रहा था। तब मेलिसा अपने फ्रेंड से कहती है कि अब तुम देखना मैं उसे कैसे अट्रैक्ट करती हूँ अपनी ओर। अब जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है, मेलिसा वहाँ से उठ के चली जाती है, क्योंकि मेलिसा ने अब इरादा बना लिया था कि वो सभी के फीलिंग के साथ खेलेगी, उसे किसी के साथ फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। इसके बाद क्रिसमस के दिन दादी जी ठीक होकर घर पे आ चुकी थी और अपनी दादी को देखकर मेलिसा काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तभी दादी को समझ जाता है कि मेलिसा पूरी तरह बदल चुकी है, इसलिए उसकी दादी यह बात उसकी मॉम से कहती है ताकि वह वक्त रहते हुए उसे संभाल ले। लेकिन वहाँ पर मॉम का कहना था कि नहीं, आप मेरी बेटी के बारे में गलत सोच रही हैं, मेरी बेटी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं मेलिसा और दादी एक कमरे में होती हैं। तब उसकी दादी उससे कहती है कि जवानी के दिनों में मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और आज मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ। इसके कुछ दिनों बाद मेलिसा को डेनियल का फोन आता है और वह कहता है कि वह उससे मिलना चाहता है, क्योंकि पहले उससे गलती हो गई है और वह अब उसे बहुत मिस कर रहा है, इसलिए वह उससे मिलना चाहता है। मेलिसा पहले तो काफी सोचती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद डेनियल अब ठीक हो गया होगा, उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा होगा और इसलिए वह उसे मिलने के लिए बोल
देती है। अब जैसे ही मलेशिया उसके घर पहुंचती है तो डेनियल और मलेशिया दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। डेनियल वहां पर मलेशिया को आंखें बंद करने के लिए कहता है। अब मलेशिया जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तब वहां पर डेनियल का दोस्त आकर उसे किस करना शुरू कर देता है। मलेशिया को काफी अजीब सा लग रहा था इसलिए वो अपनी आंखें खोल लेती है। जब वहां पर वो उसके दोस्त को पाती है तो काफी ज्यादा उससे गुस्सा हो जाती है, लेकिन वहां पर डेनियल उसे दोबारा रोकता है और दोबारा उसे किस करना शुरू कर देता है, लेकिन मलेशिया गुस्सा होकर वहां से जाने ही लगती है। तब डेनियल उसे रोक कर कहता है कि क्या तुम बच्चे जैसी हरकतें कर रही हो, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों नखरे कर रही हो। और यह सब सुनकर मलेशिया डेनियल से कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं यह सब कर सकती हूँ। और इसी के बाद वो डेनियल के फ्रेंड को किस करना शुरू कर देती है और उन दोनों के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देती है। मलेशिया को यह करने के पीछे दो रीजन था, या तो वो कुछ नया करना चाहती थी या तो डेनियल के दोस्त के साथ वो सब करके वह डेनियल को जलाना चाहती थी। अब ये सब हो जाने के बाद वो सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है कि आखिर उसने लास्ट नाइट क्या क्या किया था। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम पागल हो क्या, डेनियल सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें यह सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे चल के तुम फंस जाओगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मलेशिया की बुद्धि पूरी तरह खत्म हो गई है क्योंकि मलेशिया ये सब करके काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उसे बताते हुए भी ये सब कुछ शर्म नहीं आ रहा था। इसके बाद स्कूल के सारे बच्चे म्यूजियम आ जाते हैं जहाँ पर मलेशिया की मुलाकात अर्नोल्ड नाम के लड़के से होती है और मलेशिया उसे भी नहीं छोड़ती, वह उसके साथ भी इंटीमेट हो जाती है। और इसके बाद वो एक अडल्ट वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाती है जहाँ पर वो अपनी सारी स्टोरी शेयर करती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मलेशिया अपनी सारी प्राइवेट बातें एक डायरी में लिखा करती है, लेकिन एक दिन वह डायरी अपने क्लास में वो भूल चुकी थी जिस वजह से उसकी डायरी को पूरी क्लास पढ़ रही थी और उसे पढ़ने में उसकी फ्रेंड भी साथ दे रही थी, जिस वजह से मलेशिया अपने फ्रेंड पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने घर की ओर चली जाती है। जब मलेशिया अपने घर पहुंचती है तब वो देखती है कि उसकी दादी किसी और मर्द के साथ है जो कि काफी ज्यादा खुश थी, और यह देखकर मलेशिया भी खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मलेशिया को लगता है कि उसकी दादी को उसके सोलमेट मिल गए। और यह सब देखकर वह सोचती है कि काश कोई उसे भी ऐसे प्यार करता। इसके बाद मलेशिया गाना सुनते हुए अपने घर की ओर जा रही थी, तब उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसकी उस दिन की गलती के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन मलेशिया अपनी फ्रेंड को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। तभी वहां पर दूर खड़ा एक लड़का मलेशिया को काफी प्यारी नजरों से देख रहा होता है। यह कोई और नहीं, वही मार्को लड़का था जो स्कूल में उसे लाइक करता था। अब जैसे ही वो मलेशिया से बात करने की कोशिश करता है तभी मलेशिया को अर्नोल्डो का कॉल आ जाता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, इसलिए मलेशिया भी उसे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन वहां पर अर्नोल्ड मलेशिया को एक बंकर में जाने के लिए कहता है, लेकिन मलेशिया बंकर में जाने से मना कर देती है और काफी समझाने के बाद अर्नोल्ड मलेशिया के आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे बंकर के अंदर लेके जाता है जहां पर अर्नोल्डो के काफी सारे दोस्त होते हैं और वो बारी बारी से मलेशिया के साथ घचाघच करते हैं और मलेशिया ये सब करके काफी ज्यादा खुश होती है। अब घर पर हम देखते हैं मलेशिया की मॉम मलेशिया को देखने के लिए उसके कमरे में आती है, लेकिन वहां पर मलेशिया नहीं थी, लेकिन वहां पर मलेशिया की डायरी पड़ी हुई थी, इसलिए मलेशिया की मॉम उस डायरी को पूरी तरह पढ़ लेती है और उसे पढ़ने के बाद उन्हें सब कुछ पता चल जाता है जिससे वो उनकी बेटी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए सारी बातें बताने के लिए मलेशिया की मॉम सीधा उनकी दादी के पास जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में पता चलता है कि दादी अब नहीं रही जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मलेशिया एक बूढ़े आदमी के साथ है। मलेशिया अपने इस एडिक्शन को पूरा करने के लिए एक बूढ़े आदमी के पास गई होती है। यहाँ पर बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम मुझे इस चाबुक से मारो, इसलिए मलेशिया उसे चाबुक से मारती है। इसके बाद बूढ़ा आदमी कहता है कि अब मेरी बारी है और वो भी उसे चाबुक से मारना शुरू कर देता है, लेकिन चाबुक जोर जोर से लगने की वजह से मलेशिया को काफी ज्यादा पेन होने लगता है जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। और जब वो घर पे आती है तब वो देखती है कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। उसकी मॉम उसके पास आती है और मलेशिया से पूछती है जो इसमें लिखा है क्या वो सही है। तब मलेशिया उसे बताती है कि ये सब कुछ सच है, इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो पूरी तरह सच है, जिसे सुनने के बाद मलेशिया की मॉम मलेशिया से माफी मांगना शुरू कर देती है। इसके बाद वो मलेशिया की काउंसलिंग कराती है। मलेशिया को भी अपनी गलती का पछतावा होने लगा था जिस वजह से वो अपनी गंदी आदतों को वहीं पे छोड़ना शुरू कर देती है। अब कुछ दिनों बाद जब वो स्कूल जाती है तब वो देखता है कि डेनियल अपने दोस्त से लड़ रहा था और इसी आदमी की वजह से मलेशिया को सभी आदमियों के साथ इंटीमेट होना पड़ा था। तभी डेनियल मलेशिया को देख लेता है और वो मलेशिया से फिर से दोबारा बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मलेशिया उसे इग्नोर करके चली जाती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं मलेशिया की लाइफ अब पूरी तरह चेंज हो गई थी और वो अपने मॉम के साथ काफी ज्यादा खुश थी और अपनी लाइफ को खुशी से जीना शुरू कर दी थी। और उस मूवी का यहीं पे अंत हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये मूवी पसंद आया होगा। यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।